हेलो फ्रेंड, मेरा नाम विश्वजीत है और आप लोगों को विश्वजीत चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा सैमसंग J5 को कैसे FRP लॉक खोल सकते हैं, चाहे वो 6.1 हो चाहे वो 5.1 हो। दोस्तों, ये बहुत ही आसान मेथड है। आपको सिर्फ इसमें 2 मिनट्स लगेंगे इसको रेडी करने के लिए। मतलब टाइम तो थोड़ा चाहिए, मगर आपका जो काम करना सिर्फ इसमें 2 मिनट लगेगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में टू वीडियो अपलोड करते ही रहता हूँ, वो भी पूरे हिंदी में रहता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कभी भी किसी भी चीज़ का अगर किसी में भी प्रॉब्लम आता हो, आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के रखता हूँ, और वहाँ से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। चाहे तो मेरा व्हाट्सअप भी है, आप चाहे तो व्हाट्सअप से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों का थोड़ा मदद कर सकूँ, मुझसे जितना होगा मैं उतना ट्राई करूँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसको, किस तरीके से करते हैं और कैसे करना है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, मेरे पास एक J5 का फ़ोन है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ बराबर J5। और मैं इसमें 2 सिम लगाया हूँ, एक आइडिया है और एक एयरटेल है। आपको आइडिया तो डेफिनेटली लगाना ही लगाना है। आइडिया अगर आप नहीं लगाएंगे तो मैं आज जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो आपका काम नहीं करेगा। वैसे बहुत दोस्तों बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको 2 मिनट चाहिए इसको FRP लॉक खोलने के लिए। बहुत ही आसानी है, आपके पास एक आइडिया सिम होना चाहिए, उसके बाद में आप दूसरा कोई सा भी सिम ले सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, दोनों सिम में पासवर्ड लॉक लगाना है। मैं ऑलरेडी दोनों में पासवर्ड लॉक लगा चुका हूँ और मैं इसको ऑन करने वाला हूँ अभी। दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आप सिम में पासवर्ड लगाने से पहले आप अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिएगा। कनेक्ट करने के बाद में आप जिस सिम में पासवर्ड लगाए हैं उसको फ़ोन में डालिएगा। और एक बार ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहला सिम जो है फर्स्ट स्लॉट में आपको आइडिया डालना है, सेकेंड स्लॉट में आपको कोई सा भी सिम आप डाल सकते हैं, आपके पास कोई सा भी हो तो। तो दोस्तों, जैसे ये मेरा लॉक पूछ रहा है सिम का, तो मैं लॉक डाल देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखो दोस्तों, आप लोगों को सिम कार्ड लॉकिंग जो दिखा रहा है यहाँ पे, जब तक मेरा आइडिया खुल के नहीं आता तब तक मैं दूसरा सिम का लॉक नहीं खोलूँगा, और हमको कुछ करना भी नहीं है। वहाँ पे अभी इमरजेंसी कॉल आ रहा है, नो सर्विस, आप ये आइडिया खोल के आ जाएगा ओके। उसके बाद में दोस्तों हमको क्या करना है, सिंपली इमरजेंसी कॉल पर क्लिक करना है। जैसे इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करेंगे तो नंबर प्लेट एक ओपन हो जाएगा, हमको यहाँ पे टाइप करना 911 और हमको कॉल करना है। कॉल जैसे पिक करेगा, मतलब रिसीव जैसे हो जाएगा, हमको हटा के नेट पे क्लिक कर देना है, इंटरनेट पे। तो मैं अपने यहाँ पे सिम का लॉक फिर से खोल देता हूँ ओके, और दूसरा सिम का भी लॉक मैं खोल देता हूँ, नो थैंक्स। तो दोस्तों, मैं इसको ऑलरेडी कर रहा था, तो मैं आपको शुरू से लेके जाता हूँ कि आपके पास कैसे कैसे ऑप्शन आएगा करके। तो मैं पीछे चला जाता हूँ, आप लोगों को डिटेल से बताऊँगा तो आप इजीली कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप जैसे इंटरनेट पे जाएंगे तो आपके पास गूगल का ऑप्शन आ जाएगा। गूगल में जाके आपको सबसे पहले क्या लिखना है, गूगल अकाउंट मैनेजर। गूगल अकाउंट मैनेजर पे आके सबसे पहले वाला ऑप्शन पे सेलेक्ट कीजिएगा, और यहाँ से आप आपका फ़ोन का जो वर्ज़न है, कौन सा वर्ज़न है आपका, 5.1 है तो 5.1 डाउनलोड कीजिए, 6.1 है तो 6.1 को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे क्लिक करना है, सिंपली बता देता हूँ डाउनलोड भी कैसे करना है करके। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक बार फिर से, यहाँ पे डाउनलोड के लिए पूछ रहा है। यहाँ पे मैं अपने फाइल्स पे चला जाता हूँ, सॉरी गलत जगह पे प्रेस कर दिया हूँ शायद, तो मैं इसके ऊपर फिर से एक बार क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हेयर बोल के जो लिखा है उसके ऊपर मैं क्लिक किया हूँ एक बार,
तो मैं यहाँ से, मैं देखो ऑलरेडी हमको बता रहा है कि आपका डाउनलोड हो चुका, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली ओपन पे चला गया। ओपन पे जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे मैं दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था जो मैं आप लोगों को बता दूँ। एक तो गूगल अकाउंट मैनेजर 6.01 है जो मेरा एंड्रॉयड वर्जन, उसके बाद में क्विक शॉट मेकर, आपको दोनों डाउनलोड करना है। जैसे मैं अभी एग्जांपल आप लोगों को बताया इसी तरीके से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हूँ तो फिर से एक बार कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ पे ओके कर देता हूँ, यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। सिंपली आपको डन करना है, इसके बाद में क्विक शॉट मेकर को ओपन कर लेना है। इसमें भी सेटिंग पे जाना है, सेटिंग में जाके इसको ओपन कर लेना है, बाद में इसको इंस्टॉल कर देना है। दोस्तों बहुत ही इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। बाद में हम ये जब ओपन हो जाएगा तो हम इसको ये ओपन करके यहाँ पे लिखेंगे गूगल अकाउंट मैनेजर, इसको पर क्लिक करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। ये देखो ये जहाँ पे लिखा है ईमेल एंड पासवर्ड, ये जगह एरर आता है, तो हम इसीलिए गूगल अकाउंट मैनेजर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो ये जगह एरर नहीं आता। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का पॉपअप खुलेगा, तो मैं इसके ऊपर TRY जहाँ पे लिखा है उसके ऊपर मैं एक बार क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, मैं इसके ऊपर क्लिक करके ब्राउजिंग पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद में यहाँ पे हमें ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो मैं ईमेल आईडी अपना डाल देता हूँ पहले फटाफट। ईमेल आईडी डाल दिया, उसके बाद मैं अपना पासवर्ड डालने वाला हूँ। मैं अपने पासवर्ड डाल दिया, अभी मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। ये थोड़ा टाइम लेगा, कम से कम 20 सेकंड 15 सेकंड बस। मैसेज भी आ चुका है मेरे को कि मैं अपने ईमेल आईडी से किसी का फ़ोन को खोला हूँ। तो अभी हमको सिंपली क्या करना है, फ़ोन को रिस्टार्ट कर देना है, तो मैं रिस्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ आपका इसमें लगेगा सिर्फ 2 मिनट, बहुत आसानी से कर सकते हो। वैसे तो आप बताएंगे 2 मिनट में से कहाँ हुआ है, तो टाइम ज़्यादा ले लिया, मगर नहीं, जो मेथड है, जो काम करना है, सिर्फ उसमें 2 मिनट का ही काम है। बाकी तो फ़ोन का जो प्रोसेस है ऑन होना, वो तो मैं आप लोगों को बताया नहीं, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैं अभी क्या करता हूँ, सिम का लॉक फिर से खोल लेता हूँ। 1 2 3 4 ओके, 1 2 3 4 ओके। हाँ खुल चुका है, स्टार्ट। आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, मेरा कनेक्टेड है शायद, थोड़ा टाइम लगा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन आया नहीं है, रुकिए, आ चुका है, एग्री। उसके बाद में नेक्स्ट,
दोस्तों थोड़ा टाइम ले रहा है, तो मैं आप लोगों का ज़रा टाइम लेना नहीं चाहता, तो मैं थोड़ा देर के लिए वीडियो को पॉज कर दूं, जिससे कि आपका थोड़ा टाइम ना लगे, क्योंकि जो जस्ट जो लोडिंग है थोड़ा टाइम लेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर, 2 मिनट तो नहीं चाहिए, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको पॉज कर देता हूँ। देखिए दोस्तों ये कुछ इस तरीके का आ गया है, तो मैं इसको ऊपर उठाता हूँ, यहाँ पे नॉट नाउ, नेक्स्ट, पैटर्न नहीं चाहिए हमको, स्केप स्केप, रिस्टोर वी डोंट रिस्टोर, ईमेल आईडी, यहाँ पे एक एरो मार्क दिख रहा है, क्लिक स्किप, नेक्स्ट, एग्री, नॉट नाउ, नेक्स्ट, फ्रेश। देखो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा एफ आर ब्लॉग जो है वो खुल चुका है, मैं वाईफाई ऑफ कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से आप अपने फ़ोन का जो लॉक है, जो एफ आर पी लॉक है, बहुत आसानी से खोल सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कंप्यूटर और मोबाइल के बारे में ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, वो भी पूरा हिंदी में रहता है। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।